नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में चल रहे घमासान के बीच रोज नई नई तस्वीरें देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान देकर राजस्थान में सियासी पारा बढ़ा दिया है। दरअसल बीते शनिवार को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पेपर लीक को लेकर अपनी सरकार पर निशाना साधा था। उसके बाद गहलोत ने कल यानी रविवार को धौलपुर में महंगाई राहत कैंप में मानेसर का जिक्र फिर छेड़ दिया। दरअसल एक दिन पहले पायलट ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न करने पर गहलोत सरकार को घेरा था। उसके बाद गहलोत का वापस पलटवार देखा गया। गहलोत ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार गिराने की साजिश रची थी, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, कैलाश मेघवाल और विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने हमारी सरकार को बचा लिया। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि राजे और मेघवाल को मालूम था कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। इसके बाद वसुंधरा ने सरकार गिराने के षड्यंत्र में साथ नहीं दिया। गहलोत के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने गहलोत पर हमला बोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा है कि गहलोत 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो हार होने वाली है उससे भयभीत हो गए। उनके द्वारा मेरी तारीफ करना मेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है। वसुंधरा ने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त में अशोक गहलोत महारथी है। 2008-2018 में अल्पमत में होने के कारण ऐसा किया गया था। उस वक्त ना भाजपा को बहुमत मिला था और ना कांग्रेस को। हम भी सरकार बना सकते थे पर भाजपा के सिद्धांतों के खिलाफ था। गहलोत ने ही लेन देन से दोनों बार सरकार बनाई। मुख्यमंत्री द्वारा मेरी तारीफ मेरे खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है। मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया है उतना कोई नहीं कर सकता। वही गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत एक नंबर के झूठे हैं। अगर सच्चे हैं तो केस दर्ज क्यों नहीं करा रहे। गहलोत आपस की लड़ाई को सुलझाने के बजाय विरोधी खेमे को गद्दा साबित करने में तुले हैं। वही राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, गृह मंत्री भी आप हो, विधायकों पर पुलिस केस दर्ज क्यों नहीं करती, आपके पास सारी जानकारी है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी तेज होने वाली है। देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।